साथ है, सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ फिर करती हुई चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ राकेश नाथ है जो यूकेडी के नेता है और आज सदन के बाहर ये खुद मौजूद थे और विपक्ष के तौर पर हंगामा जरूर देखा गया। आपका स्वागत है सर टीवी 100 पर राकेश जी। धन्यवाद राकेश जी। इतना हंगामा क्यों? देखिए ये हंगामा इसलिए है कि राजधानी गैरसैंण के नाम पर ये जो वर्तमान सरकार है इसने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, मजाक किया है। जनता लगातार जो है स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग कर रही है, परंतु सरकार ने स्थायी राजधानी गैरसैंण की बजाय ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर एक जनता को एक झुंझुना थमाया है। और ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उल्टा जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज है, जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो ये मुद्दा हमेशा क्यों नहीं उठता? जब सत्र होता है तब उठाते हैं ये मुद्दा, जब चुनाव नजदीक होता है तब साहब ये मुद्दा उठाया जाता है, इससे पहले क्यों नहीं इससे सरोकार होता आप लोगों को? खैर इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, अब बीजेपी के नेता को भी जोड़ लेते हैं, उनसे भी कुछ सवाल लेकर आपके पास लौटेंगे। राकेश जी, सुभाष भारद्वाज जो कि बीजेपी के नेता है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, स्वागत है आपका सुभाष जी टीवी 100 पर। धन्यवाद सुभाष जी। आप पूरी तैयारी में हैं क्योंकि मुद्दा बहुत है इस सत्र में घेरने के लिए विपक्ष के पास? नहीं, देखिए जो विधानसभा सत्र आहूत होता है वो तो होता ही जो है चर्चा परिचर्चा के लिए है, उसमें तो जितनी भूमिका पक्ष की होती है उतनी विपक्ष की होती है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में सरकार अपने जिस कार्यक्रम को, जिस एजेंडे को, जिन बिलों को, जिन प्रस्तावों को, जिन तमाम जो है कार्यक्रमों को सदन के पटल पर रखती है उस पर चर्चा परिचर्चा होती है, और जितनी भागीदारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही जो विपक्ष की होती है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जो भी चीजें सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी उस पर हमारे विपक्षी मित्रों के द्वारा गर्मा गर्म चर्चा होनी चाहिए, यह प्रदेश के हित में भी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि केवल राजनीति के लिए जो है किसी सर मुद्दा है तभी तो घिरते हैं। आप बताइए मुद्दा है तभी तो घिरते हैं और मुद्दा बनाता कौन है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं जो सरकार ने उत्तराखंड की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के आधार पर सरकार गठित करते समय जो लोक भवन हमने जो है वादे किए थे उसमें से 90% हमने पूरे किए हैं, चाहे वो सड़कों का विषय हो, चाहे 2000 से 2500 जो पेयजल योजनाओं के निर्माण का विषय हो, पिछले चार साल में जिस प्रकार हमने जो है 30 से 35 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जिस प्रकार से हमने जो है 7 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, वो आंकड़े जो है तमाम आपने जो है मीडिया के बंधुओं के पास उपलब्ध कराए हैं सरकार ने, उसमें कोई संशय नहीं है। इसके अलावा देखिए जो तमाम किसानों के संदर्भ में योजनाएं गतिमान है, आप देखिए कि उनको जिस प्रकार 5 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए हमने 2% की दर पर जो है उनको ऋण देने का काम किया, उनको जो है किसान सम्मान निधि से नवाजने का काम किया, जो मजदूरों के श्रम सम्मान निधि की योजना है जिसमें 4 लाख से अधिक किसानों को जो है लाभान्वित करने का काम किया, खेती के संदर्भ में आप देखिए जो पड़ती खेती है, ऊसर खेती है, उसके संदर्भ में जैविक खेती के संदर्भ में जो 8000 करोड़ की, जो 6000 करोड़ की जो योजनाएं गतिमान है उससे कितना रोजगार इस प्रदेश के अंदर हुआ, किसानों को फायदा हुआ, हमने देखिए ट्रांसफर एक्ट बनाया। इसके अलावा आप देखिए कि इस प्रकार से हमने 2.5 लाख कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का, तमाम जो है वित्तीय प्रतिकूलताओं के बावजूद देने का काम किया। ये तमाम विषय हैं जिन पर जो है हमने संकल्प किया था समय समय पर बिल, यानी कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सत्ता पक्ष को घेर सके। आपके कहने का मतलब ये है कि जितने आप लोगों ने वादे किए 90% पूरे किए हैं। हमने राजधानी का, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी का वादा किया था उसको जो है पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन इस बार राजधानी को लेकर यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है सर। जनाब आज क्या हुआ सत्र में आपको तो पता ही है, स्थायी राजधानी को लेकर विपक्ष ने आप लोगों को घेरा। खैर मेरे साथ राकेश जी भी हैं, उनको भी ले लेते हैं यहाँ पर। राकेश जी सारा काम तो मौजूदा सरकार ने किया है, तो फिर मुद्दा कहाँ से आ गया आपके पास घेरने के लिए? देखिए अभी जो भाजपा के प्रवक्ता आए हैं महोदय, इन्होंने जो आंकड़े रखे हैं ये इस प्रकार से आंकड़े गिना रहे हैं, ये केवल 20 सालों से जो उत्तराखंड का विकास हो रहा है और हर सरकार जो है वो केवल कागजों में ही विकास कर रही है। अभी एबीपी न्यूज का एक चैनल का एक सर्वे आया था, उसमें ये दिखाया गया था कि अगर सबसे नाकाम मुख्यमंत्री भारत के कोई हैं तो नंबर वन पे हमारे ही राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का उसमें नाम आया है। तो ये सर्टिफिकेट तो इनको मिल गया है, और ये युवाओं को 7 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं,
आज हमारा उत्तराखंड जो है वो बेरोजगारी में नंबर वन पे है। 22% बेरोजगारी आज उत्तराखंड में है, तो कौन सा इन्होंने रोजगार दिया है? नहीं तो उन्होंने कहा है कि 7 लाख गांव-गांव में नौकरियां बेरोजगार युवाओं को दी गई है। राज्य सरकार ने कोशिश की है इसके लिए, किसानों को भी बड़ा फायदा दिया है राज्य सरकार ने। हेलो हेलो राकेश जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, आप क्या कह रहे थे? राकेश जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी बताइए। हेलो राकेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं? राकेश जी, बीजेपी नेता का कहना है कि 7 लाख युवाओं को रोजगार दिया है राज्य सरकार ने और 1.5 लाख किसानों को फायदा भी पहुंचाया है। मैडम, अगर इन्होंने 7 लाख बेरोजगारों को जो रोजगार दिया है, तो ये 22% का जो आंकड़ा है ये भारत सरकार का आंकड़ा है। ये खुद ही जो है भारत सरकार इनके आंकड़े को झुठला रही है। आज उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर वन पर है। हेलो जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। आज उत्तराखंड जो है बेरोजगारी में नंबर वन पर है, और हालात यहाँ पर है कि छोटी मोटी जो भर्तियां निकलती भी हैं उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। अभी पिछले साल की बात है, जब मार्च अप्रैल में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले निकले थे और उस घोटाले के तार सीधे सीधे सचिवालय तक जुड़े थे। तो जब थोड़ी बहुत भर्तियां निकल भी रही हैं उसमें भी घोटाले हो रहे हैं, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है इस सरकार में कि युवा इस समय त्रस्त है। और ये जो पेयजल योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो नल जो गाँव में है, आप उन नलों में पानी ही नहीं पहुँच रहा है। और ये विकास के इतने बड़े बड़े आंकड़े ये हमें बता रहे हैं, जो गांव में जो सड़कें निकली हैं, उन सड़कों में जो दो दो चार चार किलोमीटर की जो छोटी छोटी सड़कें निकली हैं, मैडम वे सड़कें वाहन तो क्या उसमें साइकिल भी नहीं चल सकती, उसमें आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। इतना बड़ा उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है सड़कों में। और ये केवल और केवल जो उत्तराखंड का जो विकास है वो केवल आंकड़ों में सिमटा हुआ है। आप अगर जमीनी धरातल पर देखेंगे तो वो आंकड़े जो है उससे मैच नहीं करते हैं बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही राजधानी गैरसैंण की, तो इन्होंने जो भाजपा की वर्तमान सरकार ने जो राजधानी को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, जनता में उससे बहुत बड़ा असंतोष है। जब से इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, कितना बजट इन्होंने जो है गैरसैंण के विकास के लिए लगाया है, और कितने सत्र इन्होंने बिठाए हैं, और कितनी सरकार वहां चली है। आज लगभग 1 साल होने वाला है, 1 साल में कितने काम जो है गैरसैंण से हुए हैं, सरकार कितने दिन वहां बैठी है। ये केवल और केवल इन लोगों ने अपनी मौत के लिए, अपने पिकनिक और सैर सपाटे के लिए जो है कहते हैं, तो इन्होंने सैर सपाटे के लिए ठीक है, किया है। ये सीधा आरोप है आपका राकेश जी, ये सीधा आरोप है। सुभाष जी जवाब दीजिए। अब देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल को तो उत्तराखंड की जनता वोट देती नहीं है, उनको तो विधायक बनाती नहीं है, उनको तो सांसद बनाती नहीं, उनको प्रधान भी नहीं बनाती उत्तराखंड की जनता। तो आखिर उनकी जो मानसिकता है, जो पिकनिक मनाने की मानसिकता है, उत्तराखंड की जनता ने देखा है कि वो सोचते हैं कि जो है जनप्रतिनिधि होना पिकनिक मनाने के समान है, और इसीलिए जो है उत्तराखंड की जनता ने इनसे दूरी बना ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए लोकतंत्र में आलोचना स्वस्थ परंपरा है, लेकिन यदि आप आंकड़ों के आधार पर, हम आंकड़े दे रहे हैं कि हमने बेरोजगारी के क्षेत्र में इतने लोगों को काम दिया, हमने पिछले 4 साल में इतनी सड़कें बनाई, मैंने अभी गिनवाया आपको, हमने इतने जो है विकास, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष यदि जो है आंकड़ों के साथ सामने आए और हमें बताए, आप बताइए, सबको तो सरकारी नौकरी और सबको तो उपलब्ध नहीं किया, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, लेकिन 1.5 करोड़ की आबादी में यदि हमने 7 लाख लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया, तो आप प्रतिशत निकाल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 लोग जो है बेरोजगार हैं, तो कोई भी सरकार पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, स्थायी राजधानी बनाना ये भी मांग है लोगों की, ये विपक्ष की मांग नहीं है, और इसको लेकर हमेशा घिरती हुई आई है सरकार, तो इसको लेकर क्या खास कदम है? पलायन को लेकर आप लोगों ने क्या खास कदम उठाया? अब तक पलायन हो रहा है सर। देखिए महोदया, बात ये है कि ये तो राज्य ही हमने बनाया, वरना आप जानते हैं कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो कभी राज्य का सपना इतनी जल्दी साकार होता, इसमें संदेह है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी, कुर्बानी हुई, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए अगर हमने बनाया है तो फिर हम ही को इसका दर्द है, हम ही को इसकी पीड़ा है, और इसलिए राजधानी को बनाने का जो मुद्दा है उसको चरणबद्ध ढंग से जो है अंजाम तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। पहले चरण में उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है,
देखिए इसको स्थाई या ग्रीसम का क्या अर्थ होता है, सरकार अगर आधी वहां पर बैठती है, अगर जो है साल भर में जो है 6 सत्र होते हैं और उसमें 3 सत्र वहां बैठ रही, 3 यहां बैठ रही, तो मैं समझता हूं कि उससे जो सरकारी अमले का जो मोबिलाइजेशन होता है, जो एक प्रभाव होता है, सरकार का जो हनक होती है वो दूर तक जाता है, वो देहरादून से भराड़ी सैंड के रास्ते तक जाता है, और इसलिए वो जो है वहां से लेके और आपके कुमाऊं के जिलों को प्रभावित करता है, जिससे विकास को गति मिलेगी, उससे एक नया दृष्टिकोण पैदा होगा, और जब धीरे धीरे यह होगा तो उसके पश्चात स्थायी राजधानी के संदर्भ में निर्णय ले लिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, जब राज्य बन गया तो राजधानी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, हमारे विपक्षी मित्र यदि केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में जो है जब भी विधानसभा सत्र हो इसको वो उस पर जो है समय खराब करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, स्थायी राजधानी भी हम ही बना देंगे। बात यह है कि यदि आपके पास कोई सुझाव हो राज्य के हित में, बेरोजगारी के संदर्भ में, आपके पास पलायन के संदर्भ में, आपके पास अन्य जो है विकास के कार्यक्रमों के संदर्भ में, तो उसको विधानसभा का सत्र होता ही इसलिए है कि आप वहां पर जो है रखें उस अपने जो है योजना को रखें सरकार के सामने, और उस पर जो है आप जो है फोकस करें, उसको सरकार को बातें करें कि जो बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सड़क पर बैठा ना जी? बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल सड़क पर बैठा धरने पर, और 7,000 कैंसर स्थायी बनाने को लेकर। नहीं अच्छी बात है ना, देखिए अगर कहीं पर कोई समस्या किसी के साथ है, आप मानते हैं ना समस्या है सर, मानिए भी तो समस्या है, तभी तो लेकर बैठे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है किसी प्रदेश के अंदर 10 लाख बेरोजगार नौजवान है तो सबको सबके हाथ को काम देने का वायदा तो हमारा है, लेकिन उसमें समय लगेगा। हमने 4 साल में जो 7 लाख नौजवानों को जो है लाभान्वित करने का काम किया है, अब जो शेष बचा हुआ समय है उसमें उन तमाम जो है नौजवानों को सरकारी और सरकारी निजी क्षेत्रों में जो है समायोजित करने का प्रयास सरकार करेगी। तो राकेश जी यहाँ पर तो साफ लफ्जों में कहा है कि समय लगता है हर काम को पूरा करने के लिए, अब रोजगार के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर अगर आप घेर रहे हैं तो उस पर काम तो चल रहा है, हम तो काम कर रहे हैं। मैडम आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल राकेश जी। मैडम ऐसा है, ये सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से विफल रही हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, चाहे पलायन रोकने के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, ये सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह से जो है ये विफल रही है। ये केवल और केवल इनकी जुबान खर्ची है और कुछ नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में इन्होंने जो बोला कि सरकार इनको जो है जनता वोट नहीं देती है, हम स्वीकार करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का, देखिए हर राजनीतिक पार्टी का बुरा दौर भी चलता है, अच्छा दौर भी चलता है। आज उत्तराखंड क्रांति दल पिछले समय कुछ बुरे दौर से गुजरी, ये इनका सत्ता का अहंकार इनको ये झलकता है कि जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जनता उनको वोट नहीं देती है। उत्तराखंड क्रांति दल की इस समय पूरे उत्तराखंड में लहर चल पड़ी है। जनता जो है 20 सालों से कांग्रेस और भाजपा का जो ये मिली जगह का खेल है वो सब जान चुकी है, और 2022 में जनता इनको जो है बहुत बुरी तरह से झूल चुकाएगी। नहीं तो बीजेपी का ये मानना है कि राज्य में वो सारे काम किए गए हैं, राज्य में राकेश जी राज्य में वो सारे काम किए गए जिसका वादा किया था, 90% काम किए गए, जनता संतुष्ट है, तो जनता आपको किस आधार पर चुन लेगी फिर? मैडम वो तो 2022 बताएगा ना जनता संतुष्ट है या नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, इनके तो खुद के विधायक जो हैं वो अपने मुख्यमंत्री से नाराज हैं, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता मुख्यमंत्री जी क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अफसर हमारी सुन नहीं रहे। तो जिस सरकार के विधायकों की अफसर नहीं सुन रहे, अफसर विधायकों की नहीं सुन रहे, और मुख्यमंत्री जी विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, तो जब आपस में इनका तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है, तो जनता के क्या काम कर रहे होंगे धरातल पर? इनके तो खुद की पोल, इनकी खुद की सरकार की पोल समय समय पर इनके विधायक आके खोलते रहते हैं, चाहे वो लोहाघाट के विधायक पूरन फरतेयाल हो, चाहे काशीपुर के विधायक सीमा जी हो, तो इनमें तो ये सरकार पता नहीं क्या चल रही है, कैसे चल रही है, भगवान भरोसे ही जो है उत्तराखंड चल रहा है। और हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय रोजगार देने की बात करते हैं, क्या ये मुझे बताएंगे ये 7 लाख रोजगार इन्होंने कौन से रोजगार दिए हैं, कौन से रोजगार इन्होंने पैदा किए हैं, ये क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे रोजगार के नाम पे, और राजधानी गैरसैंण के नाम पर इनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि आपने राजधानी गैरसैंण, आपने जब से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है कितना बजट आपने खर्च किया है, कितने दिन वहां से सरकार चली है, कितने दिन वहां से जो है फैले पास हुए हैं, और सरकारी अधिकारी कितने दिन वहां पे बैठे हैं। ठीक है, केवल और ये लोग कहते हैं कि राज्य हमने बनाया,
तो ये जब 3-4 दशकों तक जो राज्य का आंदोलन चला था, क्या ये मजाक था? 42 लोगों ने अपनी शहादत दी, वो क्या था? और मुजफ्फरनगर कांड में हमारी माताओं और बहनों के साथ जो अस्मत लूटी थी, वो क्या था? ये राज्य अगर बना है तो इसकी अगुवाई उत्तराखंड क्रांति दल ने की है। लोगों ने अपनी खून और पसीने से की कीमत से इस राज्य को बनाया है। हमसे किसी ने एहसान नहीं किया है। 1996 में एसजी देवगौड़ा जी ने, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। उसके बाद जो औपचारिकता बची रह गई थी वो माननीय हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरा किया था। ये राज्य अगर बना है तो हमें इन राजकीय दलों की भीख और कृपा से नहीं मिला है। इस राज्य को हमने छीना है, खून और पसीने की कमाई पे हमने इस राज्य को प्राप्त किया है। ठीक है, जवाब दीजिए सुभाष जी। देखिए, ऐसा है कि सूप तो बोले बोले, छलनी क्या बोले। और बात यह है कि 10 साल तो सत्ता की मलाई जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल ने भी जो है एक बार कांग्रेस के साथ और एक बार ये कहते हैं और बार बार तमाम सवालों को उठाते हैं, हमने तो कहीं नहीं सुना इनके। जब जनता इनको विधायक बना दी थी, 3-4 सीटें देती थी, तो एक बार ये कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदार रहे, एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे अपना समर्थन देकर, तो तब तो इन्होंने कभी जो है राजधानी की बात नहीं की। तब तो इन्होंने जो है कहीं पर ये नहीं कहा कि बेरोजगारी हो गई। तब इन्होंने ये नहीं कहा कि साहब विकास नहीं हो रहा है। तब इन्होंने ये नहीं कहा कि साहब किसानों का ये दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही जो है जनता ने नकारना शुरू किया तो उसके बाद केवल एक हथियार बच गया कि आप जो है गाली दो सरकार को, आप जो है आलोचना करो सरकार की, बिना बात की, बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, बिना किसी जो है सबूत के, और जनता को अपने साथ खड़ा कर लो। ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ताधारी दल जो होता है वो आंकड़ों के आधार पर जनता को कन्विंस करता है कि देखिए आपने हमें 4 साल पहले जो है सत्ता सौंपी थी, हमने ये कहा था और ये परिणाम है, वो हमने बता दिया है उत्तराखंड की जनता को। लेकिन विपक्ष भी तो बताए कि जो है 4 साल के अंदर उसकी भूमिका क्या रही, आखिर वो कौन से कोई उपयोगी सुझाव इस प्रदेश के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, इस प्रदेश के किसानों के लिए? नहीं तो पूछा है, पूछा है सुभाष जी, ये पूछा है कि 7 लाख नौकरी दी है, किस सेक्टर में दी है, कहाँ कहाँ दी है, ये ब्यौरा मांग रहे हैं राकेश जी। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो है प्रदेश के सामने पूरे आंकड़े रखे हैं, और मैं आप ही को कहता हूं कि आप अपने पत्रकार से जरूर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका पत्रकार रहा होगा। 7 लाख लोगों को मैं यहां गिनवा नहीं सकता हूं, अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो आप ये देखिए कि पूरा जो है आपको 2 दिन चाहिए 7 लाख लोगों को मिले हुए रोजगार की जो है पर चर्चा करने को। आप मंगा लीजिए, RTI कर लीजिए, RTI से जो है आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ सरकार ने। जब सरकार किसी जो है घोषणा को करती है, किसी तथ्य को बताती है, तो फिर वो RTI के दायरे में आता है, और आप RTI लगा लीजिए इनसे, मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में आखिर इन्होंने जन उपयोगी, और ये तो कहते हैं कि साहब हम उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हैं, तो इस प्रदेश के सरोकारों के लिए जन उपयोगी कोई सुझाव इन्होंने कभी दिए हों सरकार के सामने? मुझे याद नहीं है। यहाँ तक कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है इस प्रदेश के नौजवानों के लिए, उसके पास कोई योजना नहीं है इस प्रदेश के किसानों के लिए, इस प्रदेश के मजदूरों के लिए। केवल सत्र के समय जो है छाती फाड़ फाड़ कर चिल्लाना, अभिनय करना, चिल्ला चिल्ला कर बहिष्कार करना, हंगामा खड़ा करना, और उससे केवल मीडिया के माध्यम से अगर आप सब सोचते हैं कि देश की जनता या प्रदेश की जनता आपको जो है सरांखों पर बिठा लेगी, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर एक को कुछ ना कुछ जो है चाहिए होता है, और जनता को सत्तारूढ़ दल से भी चाहिए, सरकार से भी चाहिए, और विपक्ष से भी चाहिए। और सरकार, सत्तारूढ़ दल और हमारी सरकार तो पूरी तरह से जो है अपने उस एजेंडे को क्रियान्वित करने में सफल रही है, उसकी सबूत हमने जनता के सामने रख दिए हैं, प्रमाण जनता के साथ। लेकिन विपक्ष बताए कि 4 साल में वो कहाँ था, हमें तो कहीं दिखा नहीं। अगर उत्तराखंड की जनता को दिखा होगा तो जरूर जो है वो इनके पक्ष में कुछ बताए और जन उपयोगी सुझाव भी दें। ये सुभाष भरद्वाज जी का कहना है, क्या है आपका जनउपयोगी सुझाव, कहाँ थे आप 4 साल? लेकिन मैडम, सुभाष भरद्वाज जी ने अपने झूठ की पोल खुद ही खोल दी है। अभी इन्होंने क्या कहा था कि उत्तराखंड क्रांति दल को तो जनता वोट ही नहीं देती है, और अभी इन्होंने खुद स्वीकारा कि उत्तराखंड क्रांति दल भी जो है उसके 4-4 विधायक चुन के आए हैं और वो भी सरकारों में भागीदार रही है। तो इन्होंने एक झूठ तो इनका पकड़ा गया। दूसरा झूठ जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 7 लाख जो रोजगार दिए हैं, हम इनसे ये नहीं कह रहे कि आप 1 से लेकर 7 लाख तक हमने गिनती करी है। अरे आप ये बताइए, आपने कौन कौन से सेक्टर में रोजगार दिए हैं? आज भी 56,000 पद जो हैं वो सरकारी विभागों में खाली हैं, तो कौन सा रोजगार देते हैं इन्होंने? अरे केवल सरकार का रोजगार नहीं होता है, हमारे युवा
जो शहरों से जो पहाड़ों में आए थे इनको केवल सरकारी नौकरी रोजगार दिखाई पड़ती है। जो शहरों से यहाँ पहाड़ों में आया था उसको रोजगार नहीं मिला, वो बेचारा वापस जो है वहाँ शहरों में फिर नौकरी करने के लिए चला गया है। कौन सा रोजगार दिया है? हाँ, इन लोगों ने रोजगार दिया है, मंत्रियों ने अपने बेटे को, अपने भतीजियों को, भाई भतीजावाद चलाया, जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सब ने अपने अपनों को जो है वो सरकारी विभागों में सेट किया है। ये उस रोजगार की बात कर रहे हैं, मगर उत्तराखंड के आम युवा नौजवान को कोई रोजगार नहीं मिला है इस भाजपा की सरकार में। आपके दो मंत्री जो सरकार में रहे, युवा जो है वो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, वो बनाया था। मुझे ये बताइए, अगर 7 लाख इन्होंने रोजगार दे दिया है तो ये 22% का जो सरकारी आंकड़ा है, क्या ये उसको झुठला रहे हैं केंद्र सरकार के आंकड़े को? तो मैडम, ये केवल और केवल ये सरकार, इस सरकार ने तो, ये सरकार कहती है कि विपक्ष इनको सुझाव नहीं देता, ये कह रहे कि विपक्ष अपने काम गिनाए। अरे, इन काम जवाबदेही विपक्ष की नहीं है, जवाबदेही सरकार की होती है। सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है कि आपने क्या काम किया है। विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज बनना, जनता के लिए लड़ना। राकेश जी, मुद्दा क्या है वैसे? सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कितनी तैयारी में विपक्ष है इस सत्र में, हर वो सुझाव जो है इनके साथ मुद्दे को उठाने के लिए जनता के। राकेश जी, क्या है आप लोगों के पास मुद्दा जो वाकई सरकार ने काम नहीं किया? क्योंकि विपक्ष बेहतर तरीके से जानता है कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसको हक है कि इस मुद्दे को उठाना और सुझाव देना। ऐसे में इस बजट सत्र में कैसे और किस तरीके से कौन सा मुद्दा उठाते हुए आप सत्ता पक्ष को घेरेंगे? देखिए मैडम, हमें जनता ने जो है हमें सड़कों का विपक्ष बनाया है, उत्तराखंड क्रांति दल को। हम अपनी लड़ाई को सड़कों पर जोरदार तरीके से उठा रहे हैं, जनता की आवाज बनके सरकार के सामने ला रहे हैं। मगर जो विपक्ष जिस सुझाव की ये बात कर रहे हैं, वो सुझाव वाला विपक्ष जो है वो सदन में बैठा है, वो है कांग्रेस। 20 सालों से कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन चल रहा है। चाहे कोई भी नीति हो, चाहे पहाड़ के जमीनों को बेचने की नीति हो, चाहे शराब की नीति हो, चाहे खनन की नीति हो, ये दोनों ये बैठ करके जो है, ये खड़े हाथ करके जो है दोनों दलों के विधायक इस प्रस्ताव को पारित करते हैं, जिससे उत्तराखंड के संसाधन लूटे जा रहे हैं। जिस विपक्ष को सुझाव देना है वो सदन में बैठा हुआ है, और ये कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के दो पहलू हैं। आप विपक्ष में नहीं है, दोनों का गठबंधन चल रहा है उत्तराखंड में, दोनों ही लूटने में लगे हैं। आप सुझाव वाले विपक्ष नहीं है सर जी, आप सुझाव वाले विपक्ष नहीं है मैडम। ये सुनते कहाँ हैं? ये तो अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं, ये तो वो लोग हैं जो अपने सत्ता में बैठे हुए अपने विधायकों की। अरे, जब टेलीविजन पे सुझाव मांग रहे तो दीजिए ना। अरे, सुझाव इनको दिए गए ना, हम तो सुझाव देते हैं। राजधानी को शाही गैरसैंण राजधानी बनाए, क्या इन्होंने बनाया? हम तो कहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए, क्या ये रोजगार दे रहे हैं? हम तो कहते हैं कि जो है आप पहाड़ों की जमीन मत बेचिए, क्या ये बेच रहे हैं? हम तो कहते हैं जो मूल निवास का जो 1950 की जो तय समय सीमा है उसको दोबारा से लागू कीजिए, क्या ये लागू कर रहे हैं? कहाँ ये विपक्ष की आवाज सुनते हैं? उत्तराखंड क्रांति दल की तो आवाज सुन ही नहीं रहे हैं। चलिए, आवाज वैसे भी आपको बुलंद करना है सत्र में, और मुद्दे भी आपके मुताबिक बहुत है। अब देखना यह है कि आप लोग कैसे घेरते हैं सत्ता पक्ष को। वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया राकेश जी, सुभाष भरद्वाज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस